हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि सऊदी अरब का ऑनलाइन वीज़ा कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा लगा है या नहीं लगा है, या वीज़ा आपका लग गया है तो किस तरह का है, क्या चीज़ का वीज़ा लगा है। तो पूरा डिटेल आप इस वीडियो में जान सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बताना चाहता हूँ इससे पहले, अदरवाइज़ आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हुए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके सामने पूरा डिटेल में दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। आप वीडियो का स्किप करेंगे तो फिर आप नहीं समझ सकते हैं कि मैं क्या चीज़ लिखना चाहता हूँ और क्या बताना चाहता हूँ, क्या नहीं बताना चाहता हूँ। तो आपको वीडियो को पूरा गौर से देखना है, वीडियो का स्किप करेंगे तो फिर आप नहीं समझ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जैसे क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वीजा मूफा GOVESA लिखेंगे। जैसे लिखेंगे तो सामने वाला फर्स्ट वाला जो लिंक दिखेगा, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ सऊदी अरब का ही सरकारी वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। इसी एप्लीकेशन से आप चेक कर सकते हैं, इसी लिंक से थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपका वीजा कौन सा है कौन सा नहीं। यहाँ अरबी में दे रहा है तो 3 डॉट पे क्लिक करके इसको इंग्लिश में कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है इंग्लिश करना। तो इंग्लिश में करने के बाद यहाँ पर वीजा प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट के बॉर्डर नंबर से चेक कर सकते हैं, आपके पासपोर्ट नंबर से चेक कर सकते हैं। यहाँ पूरा डिटेल में आप देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है। तो आपके पास कुछ ना कुछ डिटेल होना चाहिए, या पहले से आपको कोई वीजा लग गया है तो उसका वीजा का नंबर आपको मिला होगा, वो वीजा नंबर होना चाहिए। और यहाँ पर इस तरह का लिंक मिलेगा, इसी लिंक से आपको चेक करना है। ये नहीं कि अदरवाइज दूसरे लिंक पे तीसरे लिंक पे जाके चेक कर, नहीं, आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है, इसी लिंक से थ्रू चेक करना है। अगर आपको चाहिए तो मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे वीजा नंबर दे रहा है तो वीजा नंबर क्या डालना है, पासपोर्ट नंबर डालना है आपको, और आपको यहाँ पे एक चीज नया जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा डालना है। सबसे मस्त जो है वो आपका आपका पासपोर्ट नंबर से भी चेक कर सकते हैं और वीजा नंबर से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, दोनों चीज आपको डालना होगा, वीजा नंबर भी और पासपोर्ट नंबर भी डालना होगा। जैसे वीजा नंबर आपके सामने यहाँ देख सकते हैं, वो किसी भी ऑफिस में अगर गए होंगे तो आपको वीजा नंबर मिल जाता है। तो वीजा नंबर डालने के बाद यहाँ आपको अपना नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, कौन सा देश से आप हैं, बिलोंग करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, या किसी भी देश से अगर बिलोंग करते हैं वो देश को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको वीजा नंबर डालना है, उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना है। देखें यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पांच छह ऑप्शन देता है। तो आपको कौन सा ऑप्शन आपके पास है, कौन सा ऑप्शन आपको याद है, वो ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं वीजा नंबर देखे, यहाँ पे वीजा नंबर हर किसी के हो, अगर वीजा लग गया होगा तो आपको वीजा नंबर जरूर मिल गया होगा। उस वीजा नंबर से ही पता चल जाता है कि आपका जो वीजा है ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। देखे यहाँ पे आप वीजा नंबर, पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। तो आपको यहाँ से मैं बताना चाहता हूँ कि आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट यहाँ डाल लें, पासपोर्ट नंबर सेलेक्ट करें, उसके बाद आपके पास पासपोर्ट के जितना नंबर है वो नंबर आपको इसके अंदर फिलअप कर देना है। जब इसके अंदर फिलअप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आपको पूरा डिटेल सही से फिलअप करना है। ये नहीं कि आपको थोड़ा कन्फ्यूज हो जाए, इधर से इधर फिलअप कर देंगे तो फिर आप नहीं सीख सकते हैं और नहीं जान सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पासपोर्ट नंबर डाल दिया, पासपोर्ट नंबर डालने के बाद यहाँ पे इंक्वायरी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए कैप्चा डाल के इंक्वायरी वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि आपका वीजा जो है लग गया है कि नहीं लगा। देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट, यहाँ फेल्ड दिखा रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका वीजा नंबर में कुछ गलती होगा, या कुछ ना जो गलती होगा वहाँ पे खुद में खुद एरर आ जाएगा। उस चीज़ को आपको फिर दोबारा डालना है, डालने के बाद आपको फिर दोबारा चेक करना है। आपका जो वीजा चेक होगा इसी एप्लीकेशन के थ्रू यहीं से चेक होगा, अदरवाइज आप दूसरे जगह चेक करना चाहते हैं तो उससे चेक नहीं हो पाएगा। ये सऊदी अरब का सरकारी वेबसाइट है, आप इसके थ्रू चेक कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है चेक करना। अदरवाइज आपके पास कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वीजा कैसे अप्लाई करते हैं या वीजा का टाइमिंग कैसे बढ़ाएं उसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ बहुत आसान तरीका है, किसी भी ऑफिस में जाकर कॉन्टेक्ट करके आप अपना वीजा को बढ़ा सकते हैं। अगर सऊदी अरब में फैमिली को बुलाए हैं, फैमिली का वीजा एक्सचेंज कराना चाहते हैं, इसके लिए आप यहाँ किसी भी ऑफिस में या किसी के थ्रू ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। कैसे किया जाता है मैं अपने चैनल पर वीडियो
अपलोड किया हूँ, आप एक बार विजिट करके देख सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह का वीजा का टाइमिंग बढ़ाया जाता है, डेट को आगे बढ़ाया जाता है। बहुत आसान तरीका है करने का और समझने का। आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप खुद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन आप सक्सेस कर सकते हैं। ओके गाइस, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई भी मन में सवाल है तो मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप हमसे बात कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत है तो आप बात कर सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अलराजी का ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने में बहुत ज़्यादा भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो अब मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि अभी ऑनलाइन अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं या एटीएम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है। ओके गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय बाय।